आखिरकार भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका टोरेंट पावर कंपनी से क्यों नहीं वसूल पा रही है 285 करोड़। हम आपको बता दें कि गत दिनों पहले भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की महासभा में नगर सेवक मलिक मोमिन द्वारा टोरेंट पावर कंपनी के ऊपर 285 करोड़ के जो बकाए हैं उसको लेकर आवाज उठाई गई थी, जिसमें मलिक मोमिन जी को महानगर पालिका के महापौर जावेद दलवी जी ने आश्वासन दिया कि हम इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज महीने भर बीत गए, टोरेंट पावर कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में हम आपको बता दें कि गत दिनों पहले भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के महापौर जावेद दलवी, आयुक्त मनोहर हीरे, सभी पार्टी के गट नेता, साथ ही साथ भिवंडी शहर के सांसद, पालक मंत्री एकनाथ शिंदे सहित कई ऐसे नेतागण जो कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के पास पहुंचे और टोरेंट पावर कंपनी को जो 17 करोड़ रुपये, जो नगर पालिका को हर महीने 34 करोड़ रुपए जो ग्रांट के रूप में आया करते थे, उसमें से 17 करोड़ रुपए जो टोरेंट पावर कंपनी बिना किसी सूचना बिना किसी जानकारी की ले ली, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक घमासान मच गया था भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के अंदर। ऐसे में आज हमारे चैनल के संवाददाता ने, वहां पर आप देख सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस रूम में भिवंडी सेवा समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे, जिनसे 25 NGO यानी कि संस्था के लोग भी जुड़े। टोरेंट पावर कंपनी के ऊपर 285 करोड़ रुपए जो बकाया है उसको लेकर एक मीटिंग की गई, उस मीटिंग में क्या बात हुई हम आपको जरूर सुनाएंगे। साथ ही साथ लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि टोरेंट पावर कंपनी का मात्र 48 करोड़ रुपए जो भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के ऊपर बकाया था, जिसमें से उन्होंने 17 करोड़ रुपया शासन की मदद से ले लिया, लेकिन भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का 285 करोड़ रुपया आखिरकार भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के लोग क्यों नहीं निकाल पा रहे, एक सवाल खड़ा हुआ है। क्योंकि आज देखा जाए अगर 285 करोड़ रुपया शहर में आता है तो शहर का विकास पूरी तरह किया जा सकता है, इसे को कोई गंभीरता ना लेते हुए टाल मटोल करते हुए नजर आ रहे हैं लोग, लेकिन भिवंडी सेवा समिति के लोगों ने जो आवाज उठाया है क्या उस आवाज को लेने की बात कहेंगे, ऐसे में हमारे आपको बता दें कि इस मीटिंग के अंदर एडवोकेट तनवीर मोमिन, जलाल अंसारी जो कि भिवंडी सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, नगर सेवक मलिक मोमिन, इमरान वली मोहम्मद खान जो कि पूर्व स्थायी समिति के सभापति हैं, भारतीय जनता पार्टी के गट नेता नीलेश चौधरी, गली व्यवस्थित सुधार के अशोक भोसले जी, नगर सेवक फराज बाबा बाउद्दीन, नगर सेवक साहब मोमिन, तवाब अंसारी जो कि समाज सेवक हैं, तन्वी डाबर, तैयब मोमिन, अख्तर मोमिन, फिरोज मोमिन सहित आप देख सकते हैं भिवंडी सेवा समिति के सभी पदाधिकारी सदस्य इस कॉन्फ्रेंस रूम में उपस्थित थे। ऐसे में आयुक्त ने क्या कहा, हमारे चैनल के संवाददाता से क्या बातचीत की हम आपको जरूर सुनाएंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के गट नेता नीलेश चौधरी जी, पूर्व स्थायी समिति के सभापति इमरान वली मोहम्मद खान, नगर सेवक मलिक मोमिन और साथ ही साथ भिवंडी सेवा समिति के अध्यक्ष जलाल अंसारी जी ने क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट को। टोरेंट पावर कंपनी के ऊपर 285 करोड़ रुपये नगर पालिका का जो सत्ता की है, ऐसे में आज यहाँ पर जो कुछ समिति के लोगों ने मीटिंग रखा, उस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया और कब तक के टोरेंट पावर से जो 17 करोड़ उसने शासन को आप नगर पालिका को बिना मालूम का जो उन्होंने वहाँ से 17 करोड़ रुपये ले लिया, कब तक निकाल पाएंगे वहाँ से? नहीं, अभी शहर विकास समिति ने जो यहाँ आकर प्रेजेंटेशन दिया है उनका जो बोलना है 285 करोड़ रुपये वसूल किए जाए, तो महानगर पालिका की यही इच्छा है 285 करोड़ उनके तरफ से वसूल करके शहर में विकास के काम हो। सिर्फ ये मसला टोरेंट ने शासन के पास लेकर गई है और शासन के पास ये अभी प्रलंबित है, वहाँ से जैसे ही इसके बारे में जो निर्णय आएगा उस निर्णय के बाद ये वसूली की कार्रवाई महानगर पालिका की तरफ से की जाएगी। सर क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं देखा जाए जो एक तरफ कह सकते हैं कि नगर पालिका को उन्होंने अपने यहाँ भिवंडी शहर के प्रशासन को उन्होंने शासन ने गुमराह किया है, 17 करोड़ रुपये जो बिना किसी जानकारी के किसी मालूम के जो 17 करोड़ रुपये टोरेंट पावर को दे दिए, तो क्या लगता है इसके पीछे क्या षड्यंत्र है या फिर क्या है? नहीं, अभी इसके बारे में शासन स्तर पर एक निर्णय लेकर ये 17 करोड़ रुपये डिटेक्ट हुए हैं, इसके बारे में महापौर, पालक मंत्री, खासदार साहब, आमदार साहब ये सब मिलकर एक शिष्टमंडल ऑलरेडी सीएम साहब के पास मिला है। सीएम साहब को रिक्वेस्ट की गई कि 17 करोड़ जो कट किए हैं वो रिलीज़ किए जाए और हमारे जो 285 करोड़ उनके तरफ बाकी है वो उसके बारे में जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। सर क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं देखा जो हर महीने अपने को ग्रांट आता था 34 करोड़ रुपये, उसमें से 17 करोड़ रुपया शहर के विकास के लिए जाता था, आज जो 17 करोड़ रुपये दे देंगे तो क्या शहर के जो बाकी विकास के आपने कुछ दिनों पहले जो वादा किए थे बहुत से मीडिया के माध्यम से और बहुत से संस्थाओं के माध्यम से, क्या वो विकास के काम पूरे हो पाएंगे, क्योंकि फंड तो है नहीं? नहीं, विकास के काम तो जो वादा किया है वो तो कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि शासन को हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको ये 17 करोड़ जो कट किया गया है ये रिलीज किए करो या फिर एडिशनल ग्रांट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं,
तो शासन भिवंडी शहर के लिए कुछ ना कुछ मदद तो करेगा ही, लेकिन विकास के काम हम जरूर करें। शहर की जनता को कब तक क्या आश्वासन देंगे कि टोरेंट पावर जो 17 करोड़ रुपए लेंगे कब तक आ जाएंगे? अभी तो ये शासन का जैसा ही निर्णय होगा उसके बाद हम इसके बारे में कह सकेंगे कि इसकी रिकवरी कब तक हो जाएगी। आज हम लोगों की अच्छे माहौल में मीटिंग भी कमिश्नर से, और कमिश्नर को मैंने खुद ये बोला है कि जिस तरह LBT का लोगों का पैसा बाकी रहता था आप उनका अकाउंट सील करते थे, आज 285 करोड़ रुपया टोरेंट का बाकी है तो क्यों नहीं उसका अकाउंट सील किया जाता है? तो कमिश्नर उसके ऊपर कोई जवाब दिए नहीं, कमिश्नर बोलते हमको अधिकार नहीं। तो मेरा ये बोलना है कि टोरेंट कंपनी का अकाउंट सील कर देना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम पर उसको स्टे दी थी और स्टे देने के बाद बोला था कि ये एक ऐसा काम है कि अगर हम इसको सील करेंगे तो ये शहर में पावर का काम रुक जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन अकाउंट सील करने से कोई टोरेंट का काम नहीं रुकेगा। तो मेरी ये मांग मैंने भी रखा है सब सेवा समिति के सामने, कमिश्नर को मैंने क्लियर बोला है कि आप उनका अकाउंट सील करो, 285 करोड़ रुपया उनका अकाउंट सील करके अपने इसमें बैलेंस रखने का। जब तक निर्णय नहीं होता तब तक ये पैसा कहीं रिलीज नहीं होना चाहिए, उसके बाद जो सरकार के पास फैसला होगा तब उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और एक मुद्दा और मैंने कमिश्नर को बोला कि आज आप जा के लोगों का जिसका 50,000 और 1,00,000 रुपया घर पट्टी बाकी है आप उसका सील करते हो और टोरेंट का नहीं सील करते हो। तो अब हम लोगों को अपील ये करेंगे आगे, अभी जब तक अगर एक हफ्ते का हमको टाइम दिए और नहीं होगा तो हम खुद आवाम को अपील करेंगे कि जब तक टोरेंट पैसा नहीं भरेगा तब तक आवाम भी घर पट्टी नहीं भरना चाहिए। ये टोरेंट पावर कंपनी के ऊपर जो आज 285 करोड़ रुपया बाकी है जिसको लेकर भिवंडी सेवा समिति के लोगों ने पिछले कई दिनों से आवाज़ उठा रहे हैं, आज एक मीटिंग भी रखी गई कमिश्नर साहब के साथ में, ऐसे में आप भी वहाँ पर उपस्थित थे, तो क्या आश्वासन मिला और क्या कहना चाहेंगे? हेलो, भिवंडी सेवा समिति की तरफ से हमारे जलाल भाई जो है आर्किटेक्ट इंजीनियर है, उन्होंने एक मीटिंग लगाई थी कमिश्नर के सामने, क्या हमारे 285 करोड़ रुपये जो बाकाया टोरेंट के ऊपर है वो वसूली नहीं किए और ये हमारी शासन ने 17 करोड़ रुपया डायरेक्ट टोरेंट को दिया है इसकी वसूली की जाए, और जो हमारे 285 करोड़ रुपये है वो हमको ले मिलेंगे तो भिवंडी शहर का बहुत सारी विकास होगा, नगर सेवक को अच्छे तरीके से उसके वार्ड में काम करने के लिए निधि मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जो जो उन्होंने मुद्दे दिए और उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि अगर टोरान के ऊपर अगर कार्रवाई करनी है तो फिर उसकी एक तुम आम आदमी को कैसा सीज करते हो, कारखाना घर हो वो सीज करते हो, वो तुमको अधिकार है, और अपना इतना बकाया होने के बावजूद वो अगर कुछ नहीं दे रहा है पैसा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो हमको कमिश्नर साहब से आश्वासित हुआ है क्या बाबा हम तुमको लेख ही देंगे कि हमको शासन ने कहा है कि इसकी इसके लिए निर्णय हम देंगे, लेकिन हमारा कहना ये कि है कि अगर इसके ऊपर जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो इस भिवंडी शहर की एक आवाम है और उन्होंने जो एक कमेटी बनाई है ये कोई राजकीय और पॉलिटिकल नहीं है, ये एक आम आदमी की आवाज़ है और आम आदमी यही चाहता है कि भिवंडी शहर का विकास हो। आज खड्डे है, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट है, हमारा पैसा बकाया होने के बावजूद अगर टोरेंट का किसके ऊपर अगर 10,000 रुपया बाकी रहता है ना उसके ऊपर एफआईआर की जाती है और उसको बोलना जाता है कंपाउंडिंग का 20,000 रुपया भरो, मतलब 10,000 का कंपाउंडिंग है और 20,000 रुपया भरो, ये कौन सा न्याय? हमारा 285 करोड़ रुपया बाकी है और उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है और ये जो टोरेंट है अपनी मनमानी कर रही है। भिवंडी शहर के अंदर एक आतंक मचा हुआ है, लोग घबरा हुए है कि हम भिवंडी छोड़ के अभी वाड़ा में जाए, शाहपुर में जाए, जवार जाए, मोखाड़ा जाए, ऐसी जगह रहने को जाएंगे करीबन उसके लिए हम लोग हमारे ऊपर जो कुछ निर्बंध है जो टोरेंट के, अभी मेरे घर का मेरे भाई रहते हैं चार, मेरे को हर महीने का एक फ्लोर का 25,000 रुपये आता है, तो एक बिल्डिंग का मेरे को 1,00,000 रुपये आ रहा है तो महीने का है 3 मीटर तुम्हारे बिठाओ, 2 ABCB के बिठाओ, मैंने राइटिंग में दिया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, ये मनमानी कर रही है, ये पूरे भिवंडी शहर का एक माहौल ख़राब कर रही है, ये भिवंडी शहर जो शांत और सबूरी का जो किया था आज कहीं ना कहीं जनता जाग उठी है, आज रोड के ऊपर आके हम लोग ये जो हम लोग निवेदन दे रहे हैं कल नहीं होगा तो हम जलाल भाई को बोलेंगे आप रोड पे उतरो, तुम्हारे कंधे के कंधा मिला के हम लोग साथ में रहेंगे, उसमें कोई दोहरा नहीं है, कोई परिचय नहीं है, कोई पार्टी नहीं, कोई जाति नहीं, कोई भेद नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सिर्फ एक ही हमारा मकसद है इस टोरान से मुक्ति और उसके ऊपर जो बकाया है हमारा वो हमारे को मिले। सर, कहीं ना कहीं एक सवाल ये खड़ा होता है कि सत्ताधारी है केंद्र में और राज्य में आपकी सत्ता है,
और राज्य सरकार के मदद से ही टोरेंट पावर कंपनी को 17 करोड़ रुपये दिए गए। ऐसे में आपने, आपके मुख्यमंत्री हैं, उनको कोई पत्र या आपके यहाँ के भिवंडी शहर के कई कार्यकर्मी हैं, खासदार भी आपके हैं, आमदार भी यहाँ के आपके हैं, तो उन्होंने इसके इसको लेकर आवाज़ें उठाई के लिए, क्योंकि देखा जाए तो शहर का पैसा है और शहर का पैसा और शहर के लोगों को मालूम नहीं होता है। आप भी भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के एक सदस्य है और आपको भी पता नहीं रहता, आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने भी गए थे, वहाँ पर क्या बात है उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम लोग जो 17 करोड़ रुपये हमारा जो 14 वित्त आयोग का था उसमें से 17 करोड़ रुपये उनको दिया, 17 करोड़ हमको दिया। हमने पहली बात, सब दल के लोग थे, हमारे मुखिया इस शहर के महापौर थे, खासदार थे, आमदार थे, हम लोग सब मिला के गए शासन के पास, मुख्यमंत्री या के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे थे, और हमने ये मांग की है कि जो 17 करोड़ हमारे दिए हुए वो 17 करोड़ हमारे हमको वापस दो, और ये जो तुम्हारी कुछ मनमानी चल रही है उनकी टोरान की, उसको ख़त्म किया जाए, और आने वाले दिनों के अंदर टोरान जो कहती है कि हमारे पैसे हमारे पर 48 करोड़ बाकी है वो कट करके हमको हमारा पैसा दिए, ये हमने मांग की। और हमने ये भी कहा शासन को, जो पेंडिंग विषय है वो तुम जल्द से दो लो, सरकार भरे हमारी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उसमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते। हम लोग भी मांग कर रहे हैं, टोरान आई टोरान गई, उससे हमको कुछ नहीं, मतलब शहर के हित में आप उतर सकते हैं। हम इस आवाम के साथ, इस नागरिक के साथ, इस समिति के साथ, हमारी पूरी पार्टी साथ में खड़ी रहेगी, ऐसा आपको मैं तुम्हारे माध्यम से ये करता हूँ। कहीं भी हम लोग कहीं भी हो, हम मेरे को बुलाओ, मैं नहीं आया तो तुम बोल सकते हो कि ये आदमी मैनेज हो गया, मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के मैंने जलाल भाई और उनके पूरे समिति को कहा है हम तुम्हारे साथ में हैं, कभी भी हमको बुलाओ। क्या आश्वासन दिया और टोरेंट पावर कंपनी के ऊपर जो बकाया है तो कब तक की वो देने का वादा किए? टोरेंट कंपनी पे जो 285 कोटी रुपया जो घटपट्टी और थक बाकी है उसके लिए 26 तारीख को हमने निवेदन दिया था और 10 सितंबर को महासभा में फुल मेजॉरिटी के साथ में ये ठहराव पारित किया गया था कि टोरेंट कंपनी के खिलाफ वसूली के लिए कार्रवाई की जाए। तो आज 10 अक्टूबर को हमने आयुक्त साहब से टाइम लिया था कि अब तक क्या कार्रवाई हुई, उन्होंने हमको बुलाया मीटिंग में और एक महीना पूरा हो गया ठहराव पास करके, कोई भी कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शासन की तरफ से, शासन के पास ये जो मैटर है ये पेंडिंग है और जब तक शासन से निर्णय नहीं हो जाता जब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा मेरे पास मुझको आदेश मिला है और मैं लेके आप लोगों को दे दूंगा कि मुझको शासन बोल रही है जब तक ये पेंडिंग है, जब तक निर्णय नहीं होता जब तक आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करो। हमारे साथ आज की मीटिंग में भाजपा गट नेता नीलेश चौधरी साहब, माजी सभापति स्टैंडिंग कमेटी इमरान खान, कॉरपोरेटर फराज बाउद्दीन, मलिक मोमिन शहाब और 25 संस्था के प्रतिनिधि, भिवंडी शहर के 25 संस्था के प्रतिनिधि और भिवंडी सेवा समिति के लोग बैठे और वहाँ पे बात हुई। हमने इनको सजेशन दिया था कि इनके खिलाफ सील करने की कार्रवाई की जाए। दूसरा ये कि जब तक शासन का निर्णय नहीं होता है जब तक इनको इनके पास से 70 करोड़ रुपये डिपॉजिट लिया जाए। तीसरा ये था कि इनका हम LBT वसूल करने के वक्त हम जो पार्टी जो कंपनी जो LBT नहीं भरता था हम उसका अकाउंट सील कर देते थे, महानगर पालिका अकाउंट सील कर देती थी, तो ये अगर नहीं दे रहे तो इनका अकाउंट सील क्यों नहीं कर रहे हो? और 17 करोड़ रुपये भी जो था प्रेस प्रभारी उन्होंने मैनेज कर दिया। क्या कहेंगे जो आश्वासन आपको मिला है? आश्वासन ये मिला है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मैं आपको लेख ही दे रहा हूँ, जब तक शासन की तरफ से ये नहीं होगा जब तक के ये मैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन शासन के पास हम सब 90 नगर सेवक, महापौर, आमदार, खासदार, पालक मंत्री, हम सब लोग एक ज्वाइंट मीटिंग अरेंज करें। आयुक्त साहब ने बोला मैं भी चाहता हूँ कि शहर का विकास। महासभा में ठहराव हुआ था उसमें मेरी मांग ये थी कि आपने ये जो टोरेंट कंपनी है ये 25,000 रुपये के लोगों का रिक्वायरी के लिए ताला मारती है, मीटर ले जाती है। ठहराव मेरा यही था और मेरे साथ सारे नगर सेवकों का यही ठहराव था कि इसका रिक्वायरी कैसे लेना है। तो रिक्वायरी की मैंने ये बात रखी थी कि इसका अकाउंट सीज करो, अकाउंट सीज करने का तो राइट अपने को है ना, उसका अकाउंट सीज करो। तो क्या कारण है क्यों नहीं कर पा रहे महानगर पालिका के लोग? देखा जाए सत्ता भी आपकी है, कांग्रेस पार्टी के मास। आज जैसे हम लोग भिवंडी सेवा समिति के ऊपर से जो मीटिंग लगाए थे कमिश्नर साहब के पास, वहाँ पर भी आज यही बात हुई कि उसका अकाउंट सीज करो। तो उनका कहना ये है कि ये शासन का निर्णय है, निर्णय आ जाएगा
तो हम उसको सील करेंगे, अकाउंट सीज करेंगे, सब करेंगे। वो अपनी बात सासर के ऊपर डाल रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे टोरेंट पावर की, कहीं ना कहीं कह सकते हैं मनमानी और एक दादागिरी, जो यहाँ के 90 नगर सेवक एक सदस्य के रूप में भिवंडी शहर की जनता आप लोगों को महानगर पालिका में चुन के भेजी, और आप लोगों के मतलब नाक के तले से अगर 17 करोड़ रुपये भिवंडी शहर का जनता का पैसा अगर जाता है, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा था कि टोरेंट पावर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि शासन से ज़्यादा लगाव रखती है और उनके टच में जो 17 करोड़ शहर के विकास का पैसा गया है, ऐसे में नगर सेवक लोगों का क्या भूमिका रहने वाला है? क्योंकि आयुक्त तो साहब ने तो आप लोगों को डायरेक्टली मतलब इन डायरेक्टली आश्वासन दे ही दिया है कि शासन के ऊपर पूरा निर्भर है। नहीं, 17 करोड़ की जो आप बात कर रहे हो वो हमारा 14 वित्त आयोग का जो हमारा अनुदान है वो है, उसके लिए हमारे जितने पदाधिकारी तो हैं। वो अनुदान शहर के विकास के लिए आया करता था जी, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं शहर का विकास रुका हुआ है, 17 करोड़ रुपये नहीं आया था। उसके लिए हमारा एक शीर्ष मंडल गया था जिसमें हमारे आमदार, खासदार, हमारे जितने पदाधिकारी हैं महापुर थे, और वो सीएम साहब से चर्चा की है, तो वो अनुदान वापस देने की बात उन्होंने की है। तो अभी आप सवाल हमारा यही है 285 करोड़ रुपए का, वो हमको कैसे मिलेगा? उसकी आज तुम्हारा भिवंडी सेवा समिति ने मीटिंग अरेंज की थी कमिश्नर साहब के साथ, तो क्या लगता उसमें है? सब नगर सेवक भी थे। तो क्या लगता है कि नगर पालिका के आयुक्त साहब उसके ऊपर ठोस कदम उठाएंगे या तो फिर इसी तरह आयोग साहब का बोलना है कि हमको शासन से रुकावट आ रही है, तो वो हमको राइटिंग में लिख के, तो हम शासन के पास जाएंगे। राइटिंग में हमने लिख के मांगा है कि आप हमको राइटिंग में लिख के, तो हम पूरा शिष्टमंडल लेके, हम हमारे 90 नगर सेवक लेके, हमारे आमदार खासदार को सबको लेके हम सीएम साहब के पास जाएंगे। आज हमारा विकास का काम रुका, इतनी इतनी रकम अगर हमारे पास आती है तो आज हमारे शहर का विकास होगा। तो क्या कहना चाहेंगे आज की मीटिंग में जो चर्चा हुई है? अभी चर्चे के ऊपर आप बोलिए, शहर के लोगों को मतलब किस तरह का आश्वासन आप अपनी तरफ से देने, क्योंकि आवाज़ उठाने में आपका एक अहम भूमिका था, साथ में जो सेवा समिति है भिवंडी शहर की उसमें भी आप अच्छा किरदार निभा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि मतलब हमने तो आयोग साहब को बोल दिया कि आप इसका फौरन डिसीजन लो, अगर आप ये रिकवरी नहीं लेंगे तो हम भिवंडी की जनता को बोलेंगे कि आप अपना अपना कर भी मत भरो। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज टीवी न्यूज़, धन्यवाद।